हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा राज रिबूट के 6 डेज के कलेक्शन के बारे में। जी हाँ, पहले 6 दिन का कलेक्शन अब सामने आ चुका है और कहीं ना कहीं फिल्म ने जिस हिसाब से एक शुरुआत अच्छी की थी, वो कहीं ना कहीं आगे जाके स्लो हो गई है। और अब मैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि फिल्म किस तरह से आने वाले दिनों में जा सकती है। तो पहले दिन फिल्म का जो कलेक्शन था वो 6.30 करोड़ था और जो दूसरे दिन का कलेक्शन था वो 5.49 कलेक्शन था, यानी कि 5.5 करोड़ के करीबन का। और तीसरे दिन जो फिल्म ने कमाए थे 6.30 करोड़ कमाए थे वापस से। जैसे ही फ्राइडे को जो कलेक्शन था आंकड़ा था 6.30 करोड़, वैसे ही संडे को ये आंकड़ा था। तो आपने देखा कि ये शुरुआत अच्छी हुई थी बट कहीं ना कहीं स्टेबल तौर पे रह गई। एक जो सैटरडे संडे को जो ग्रोथ मिलता है फिल्म को जो कलेक्शन के मामले में, वो इस फिल्म को नहीं मिला। और उसके बाद जो मंडे का कलेक्शन सामने आया 2.61 करोड़ का, वो भी काफी कम था। और ट्यूजडे को इस फिल्म ने जो कमाए थे आई थिंक 2.27 करोड़ कमाए थे। और अब जो वेनसडे यानी कि 6 दिन का आंकड़ा आया है वो 2 करोड़ आया है। तो 6 दिन के आंकड़े के बाद जो फिल्म का जो टोटल अभी तक होता है वो होता है 24.97 करोड़, यानी करीबन करीबन फिल्म ने 25 करोड़ कमा लिए है। और अब मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली, मुझे लगा इस फिल्म का बजट शायद 30 से 35 करोड़ होगा, मैंने जितना स्टडी रिसर्च किया था। बट कहीं ना कहीं अब मुझे कहीं ये पता चल रहा है कि फिल्म का जो बजट है 60 से 70 करोड़ है, ये मैंने पढ़ा है। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि भूत की फिल्में जो होती है, हॉरर फिल्में, उनका बजट ज्यादातर वैसे भी नहीं होता है। बट कहीं ना कहीं बल्गेरिया में शूट हुई है, VFX काफी ज्यादा है, मैंने भी फिल्म देखी है। और अब मुझे इतना ऐसा लग रहा है कि शायद फिल्म का जो बजट है मेरे हिसाब से वो 50 करोड़ के ऊपर है। अगर फिल्म का बजट 50 करोड़ के ऊपर है तो फिल्म डेफिनेटली ये लॉस में चल रही है, क्योंकि फिल्म ने अभी तक सिर्फ 25 करोड़ ही कमाए। अब देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में ये फिल्म किस तरह से कमाल करती है और क्या ये अपने जो बजट है 50 करोड़ के करीबन करीबन या जो भी 60 करोड़ के करीबन जो बताया जा रहा है उसको क्रॉस करती है। बट ऐसा लग नहीं रहा कि ये क्रॉस करेगी। बट फिल्म एक अच्छी फिल्म है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि बकवास फिल्म है, फिल्म डिसेंट फिल्म है, आप देख सकते हैं फिल्म। और एक आपको जो इसके गाने हैं, इसके डायलॉग्स हैं, जरूर टच करेंगे। वो अलग बात है कि आपको शायद एक्टिंग उनकी उतनी पसंद नहीं आएगी, कुछ लूप होल जरूर दिखे होंगे, बट ओवरऑल एक फिल्म अच्छी फिल्म है। और राज सीरीज की जो फिल्में हैं उस हिसाब से एक तरह की एक उन्हें मतलब एक जस्टिस दिया है उस सीरीज की फिल्मों को, राज सीरीज की फिल्मों को। तो राज 4 राज रिबूट जिसे हम कहते हैं, एक ढंग की फिल्म है। उसका कलेक्शन जरूर कम है बट वी होप कि कलेक्शन आने वाले दिन में बढ़े और एक अच्छी फिल्म अच्छी कमाल करे। तो आपके कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं और फिलहाल मुझे जितने अपडेट्स पता चलेगी बॉलीवुड खबरों की मैं आपको जरूर बता रहा हूँ। चलिए।